जी हाँ दोस्तों, इस बार भी हर बार की तरह आरसीबी को दावेदार माना जा रहा है आईपीएल खिताब जीतने का। जहां सीजन का आगाज शुरू होने ही वाला है, लेकिन ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या इस साल विराट कोहली की जगह कोई और नया कप्तान मिल सकता है बेंगलोर की टीम को। दोस्तों आखिर ये सवाल आया ही क्यों? आप इतिहास के पन्ने पलट के देख लीजिए, 13 सीजन बीत चुके हैं लेकिन विराट कोहली के हाथ सिर्फ निराशा लगी है। इन्होंने दिल तो सभी का जीता लेकिन खिताब एक भी बार नहीं जीता, जिसकी वजह से फ्रेंचाइजियों के सामने भी बड़ी मुश्किलें रहती हैं दोस्तों। क्योंकि अगर टीम खिताब जीतती है तो उनको आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, बहुत अच्छा मौका भी होता है सभी खिलाड़ियों के पास अच्छी कमाई करने का। लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में दोस्तों ये चमत्कार नहीं हो रहा है। तो आखिर कब तक ये इंतजार रहेगा? क्या इस साल वो इंतजार खत्म होगा? क्या सूखा सचमुच खत्म होगा बेंगलोर के फैंस के लिए? ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दोस्तों उम्मीद नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। दूसरी तरफ आप सभी को बता दें, अभी हाल ही में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ऐसा नया तरीका निकाला गया जहां क्रिकेटर की फोटो के साथ उनके थॉट्स को भी शेयर किया गया। जहां विराट कोहली का जो थॉट कहता है उनकी तस्वीर के साथ जो शेयर हो रहा है, वो कहता है ना तो मैं दूसरी टीम में जाने की सोच रहा हूँ ना ही दूसरी टीम छोड़ने की सोच रहा हूँ। दिल जहाँ लग जाए वहीं अपना घर जैसा लगता है, इसलिए जहाँ रहो बस दिल के साथ खुशी माहौल के साथ रहो। तो विराट कोहली का ये बयान साफ करता है। दोस्तों आईपीएल में हमने कई बार ऐसा मौका देखा है कि चलते आईपीएल के दौरान कई टीम के कप्तानों ने कप्तानी छोड़ दी थी। जब आधा सीजन बीत जाता था तब उनको लगता था कि उनकी कप्तानी की वजह से उनकी बल्लेबाजी या गेंदबाजी या विकेटकीपिंग किसी पर भी असर पड़ता है, तो वो कप्तानी छोड़कर सबसे पहले अपने गेम पर फोकस करते थे ताकि टीम में उनकी जगह पक्की रहे। तो विराट कोहली का दोस्तों बल्ले से रन तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान भी हैं। आईपीएल के अगर इस सीजन में भी शुरुआती प्रदर्शन उनका खराब रहता है तो कौन संभालेगा टीम की कमान? क्या कोहली सचमुच गिवअप कर देंगे या फिर विराट कोहली टीम को खिताब जिताकर ही मानेंगे? दूसरी तरफ दोस्तों देखा जाए तो विराट कोहली के पास अभी आने वाले कई सालों में और बार आईपीएल खेलने का मौका रहेगा। बेंगलोर की टीम के साथ खेलें या दूसरी टीम के साथ खेलें, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी आखिर कब तक इंतजार करेगी आप ही बताइए दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें एबीडी विलियर्स की, दोस्तों वर्ल्ड कप की वो यादें ताज़ा हो जाती हैं जहन में जब एबीडी विलियर्स मैदान पर रोए थे जब वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी उनकी टीम। सेमीफाइनल नॉकआउट मुकाबले में जब आउट हुई थी तो एबीडी विलियर्स की आंखों से आंसू हम सभी से देखे नहीं जा रहे थे। हम नहीं चाहते दोस्तों वो एबीडी विलियर्स के आंसू फिर से आंखों में दिखे, क्योंकि एबीडी विलियर्स ने दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रखा है। आईपीएल और कुछ अलग अलग विदेशी लीग्स जहाँ होती है वहीं पर ही खेलते नजर आते हैं ये खिलाड़ी। तो हम नहीं चाहेंगे दोस्तों कि एबीडी विलियर्स की अगर विदाई हो तो बिना खिताब जिताए हो, क्योंकि एबीडी विलियर्स ने जो योगदान दिया है आरसीबी की टीम को उसके लिए सचमुच डिजर्व करते हैं ये। अब अगर डी विलियर्स के गैर मौजूदगी में टीम खिताब जीतती है तो बुरा तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात यही सामने आती है कि विराट कोहली की क्या कप्तानी अगर ख़राब रही तो क्या सचमुच वो छोड़ने का फैसला करेंगे? क्योंकि दोस्तों उनका इंडिविजुअल गेम बहुत अच्छा है, इस बात में कोई दोहराय नहीं। लेकिन आप खुद बताइए दोस्तों कि अगर आप एक फ्रेंचाइजी के मालिक होते और अगर आपको एक खिताब चाहिए होता और आप कप्तान से उम्मीद लगाए बैठे हैं लेकिन आप खिताब नहीं जिता कर दे रहे, तो आपके ऊपर जो प्रेशर बनता है क्या आप उसे झेलेंगे आने वाले समय के लिए? उसको कहेंगे कि नहीं हम खिताब जिता के देंगे, या फिर आप गिवअप करके किसी और को मौका देते? क्योंकि कई बार होता है दोस्तों कि आप बल्लेबाजी में अच्छा करते हैं, आप विकेट कीपिंग में अच्छा करते हैं, आप गेंदबाजी अच्छा करते हैं, कप्तानी भी अच्छा करते हैं, लेकिन आपकी कप्तानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप नहीं जीत पाते वो खिताब। मैचेस तो जीत जाते हैं लेकिन खिताब तक आते आते वो सपना टूट जाता है। तो हमने कोहली के साथ कई बार यही देखा है दोस्तों। सबसे देखना दोस्तों यही दिलचस्प रहेगा, क्या कोलकाता नाइट राइडर के कप्तान दिनेश कार्तिक की तरह ही ये भी कप्तानी छोड़ देंगे, या फिर दिल्ली कैपिटल्स में जैसे गौतम गंभीर ने साल 2018 में बीच सीजन में कप्तानी छोड़ के श्रेयस अय्यर को दी थी तो श्रेयस अय्यर ने फाइनल मुकाबले तक लेके गए थे 2020 में, क्या कोहली भी कुछ ऐसा बड़ा कदम उठाने के लिए अब तैयार हैं? ये तो इस साल पर ही निर्भर करेगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।